हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। ललित, रोजाना हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और रोजाना ही इसी तरीके से आंकड़े भी सामने रखे जा रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि आपको अगर ट्रांसमिशन चेन तोड़नी है कोविड-19 की तो बेहद जरूरी है कि आप अपने घरों में कैद रहें। कुछ दिनों की दूरी आपको जिंदगी भर साथ रख सकती है। जी बिल्कुल, आज भी यही बात कही गई है और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उसकी तरफ से लगातार एफर्ट्स किए जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों से बात की थी, आज उन्होंने प्रिंट मीडिया के लोगों से भी बात की। इसके अतिरिक्त उन्होंने आज जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है और हेल्थ केयर एसोसिएशन है उन सभी लोगों से बात की है और लगातार उनको विश्वास में लेते हुए इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से हम लगातार इस लड़ाई को लड़ने को लेकर एक के बाद एक जो स्टेट हैं वो अलग अलग तरह के जो सख्त कानून हैं वो लागू कर रहे हैं, उसको देखते हुए ज़रूरी ये भी है कि आप लोग भी अपने घर पर ही बने रहें, क्योंकि सरकार किसी पर कोई कानून का पालन करना नहीं चाहती है। सरकार दरअसल चाहती यह है कि केवल और केवल कानून का पालन इसलिए किया जा रहा है, सख्ती इसलिए की जा रही है कानून की, ताकि आप लोग अपने घर पर बने रहें। सरकार की स्तर पर जो है कई राज्यों ने, जैसे कल सरकार ने कहा था कि उसने कई राज्यों से कहा है कि वो अपने अपने राज्यों में अलग अलग जिलों में कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल बनाए, उस दिशा में भी करना शुरू कर दिया है जिसमें गुजरात, झारखंड, असम और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों ने उस तरह के अस्पताल बनाने भी शुरू कर दिए हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि राज्य जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसमें ज़रूरत इस बात की है कि सभी राज्य रिस्पॉन्ड करेंगे जल्दी से जल्दी, तो निश्चित तौर पर हम किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन ज़रूरत ये भी है सपना कि अगर लोग बाहर निकलते हैं तो पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी, ताकि इस पूरी जो एक तरह से लॉकडाउन किया गया है उसको सख्ती से पालन कराया जाए। लैब्स की संख्या बढ़ा दी गई है देश भर में, 188 के करीब लैब्स हो गए हैं जिनकी क्षमता एक दिन में 12,000 टेस्ट करने की है। लेकिन ऐसे में परेशानी अब यह खड़ी हो गई है जो ICMR ने आज जिक्र किया कि लोग अगर उनको सिम्टम्स भी लगते हैं तो भी प्राइवेट लैब्स में जाकर चेकअप करा रहे हैं। इसके लिए भी हिदायत दी गई है कि आप ऐसा ना करें, डॉक्टर्स की अगर सलाह होती है, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तभी आप जाकर चेकअप कराए। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सरकार पहले दिन से ये कह रही है और सरकार ने निजी लैब्स को भी निर्देश दिया हुआ है कि आप केवल और केवल उन्हीं आदमियों का टेस्ट करेंगे, उन्हीं लोगों का टेस्ट करेंगे जिनको एक रिकमेंडेड, एक प्रिस्क्राइब्ड जो फिजिशियन है अगर वो कहता है कि आपको कोविड-19 का टेस्ट कराना है तभी आपको कोविड-19 का टेस्ट कराने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के ध्यान में रखने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर इस बात को ध्यान में हमें रखना पड़ेगा कि निजी लैब्स भी जिस तरह से अब इस मैदान में आ गई हैं तो डॉक्टर केवल उन्हीं लोगों को टेस्ट कराने की सलाह देंगे लोग वास्तव में इसके शिकार हो रहे हैं या जिनको लग रहा है कि वो वास्तव में इससे इन्फेक्टेड हैं। और निजी लैब्स भी लगातार, कल भी हमने सुन रहे थे कई निजी लैब्स के प्रमुखों को, तो वो ये कह रहे थे कि लगातार हम उन्हीं लोगों की जांच करेंगे जिसको डॉक्टर लिखेंगे। तो कुल मिलाकर आपको अगर लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसा सिम्टम है तो जांच के लिए नहीं जाना है बल्कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, और अगर डॉक्टर कहता है कि ज़रूरत आ गई है कि अब आप टेस्ट कराइए तभी आप टेस्ट कराइए। और सरकार की टेस्ट लैबों की संख्या बढ़ाने के पीछे मकसद ये नहीं है कि आप घर से उठें और जाकर टेस्ट करा लें, ज़रूरत इस बात की है कि आप पहले समझें कि क्या वास्तव में आपको कोविड-19 है या नहीं है, उसी लिए इसकी जांच कराएं, अन्यथा ऐसी कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है। जी आप रोजाना फील्ड में हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करें ललित, तो आप देखते हैं कि लॉकडाउन का जो असर होना चाहिए या जो पालन करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे हैं, बेवजह ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आज लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ICMR ने बताया कि 63% हम लोग काबू पा सकते हैं इस कोविड-19 पर अगर लॉकडाउन की ऐसी स्थिति कुछ और दिन रहती है तो लॉकडाउन कितना महत्वपूर्ण हो चलता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, आज ICMR ने समझाया है।
जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर आपको ट्रांसमिशन की चेन तोड़नी है, अगर आपको COVID-19 के ट्रांसमिशन की चेन तोड़नी है, तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने घर में ही रहें। अगर किसी शख्स को ये COVID-19 है तो उसकी चेन दूसरे आदमी तक फैलने में इसीलिए नाकाम रहेगी ताकि वो अपने घर में बना रहेगा। और मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है कि COVID-19 का जो पेशेंट है, ज़्यादातर लोग जो है वो क्वारंटाइन से ही सही हो रहे हैं। डॉक्टर जो उनको दवाएं दे रहे हैं वो अपने घर पर ले रहे हैं, तो उसके कारण ही ठीक हो जा रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत इस बात की, कई राज्यों ने तो इस बात के भी नियम जारी कर दिए हैं कि अगर आप उसके पेशेंट हैं तो आपको क्वारंटाइन होना जरूरी है, जिसमें कि दिल्ली जैसा राज्य भी है। अगर कोई क्वारंटाइन मिला हुआ जो है वो सड़क पर घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, और कई राज्यों में ऐसे मुकदमे दर्ज भी हो चुके हैं। तो इस बात को जरूरत इस बात की है कि आप सभी लोग घर में बने रहें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि इस तरह के बीमारी को किसी दूसरे के संक्रमण में, किसी दूसरे को संक्रमण की दिए जाने की स्थिति पैदा हो। तो जरूरत इस बात की है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको ये संक्रमण है और आज असर नहीं कर रहा है, कल करेगा, तो जिसके अंदर आज है ये और कल अगर असर करने वाला है, तो अगर आज वाला ही अगर क्वारंटाइन ले लेगा तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में स्वाभाविक बात है कि वहीं तक ये चेन खत्म हो जाएगी। सरकार का मकसद यही है। और देखिए, ये लॉकडाउन अभी तो फिलहाल 31 मार्च तक बढ़ाया गया है, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि ऐसी कोई स्थिति आ रही है कि उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो फिर उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसको सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी कि ये पूरे देश में फैले और उसके बाद ये एक जानलेवा बीमारी साबित हो जाए। तो अभी तक केवल 10 लोगों की जान गई है, इस बात का सरकार को अफसोस है, लेकिन बावजूद उसके सरकार की कोशिश यह है कि पॉजिटिव मामलों की जो संख्या है वो कम हो, और लगातार जो डेथ हो रही है, खास तौर पर सीनियर सिटीजन को एहतियात बरती जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप लोग अपने घर पर ही बने रहें जिससे इस बीमारी को खत्म किया जा सके। ललित, आप हमारे साथ में बने रहिए, आपके पास में आएंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज क्या जानकारियां साझा की है। ये हर चीज अगर हमने अच्छी की तो सबसे तीव्र भी ये आउटब्रेक कभी भी हो गया, सबसे ज्यादा अगर आउटब्रेक भी हुआ तो भी उसमें रिडक्शन लाने के लिए 90% रिडक्शन हमको दिखाई देगा। यानी एक आध दिन में अगर हमको दिखा कि 1000 लोगों को बीमारी लगी है, मैंने ये अगर बराबर फॉलो किया तो 110 लोगों को बीमारी होने तक मैं उसको कम कर सकता हूँ। तो मेरा आपसे सबको एक ही आवाहन है, खुद जाके प्राइवेट लैबोरेटरीज में टेस्ट मत करिए, जरूरी रहेगी तो डॉक्टर बोलेगा, टेस्टिंग का एक्सेस सबको मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, खुद के मन से ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मत लीजिए, थोड़े दिन इंतजार करिए। ये जो भी स्टडी चल रही है उसकी जैसे फाइंडिंग्स आएंगी हम आपको बोलेंगे। और तीसरी बात, सरकार ने जो लॉकडाउन किया है उस पर पूरा अमल रखना ये जरूरी है। और मैं बार बार बोलता हूँ, लोगों की हेल्थ वैसे ही बरकरार रखना है तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी भी जिम्मेदारी उतनी ही होती है। हम सब साथ रह के ये काम करेंगे और ये बीमारी को रोकने में हम सक्सेसफुल रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ललित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आज इस देश का हर एक व्यक्ति सैनिक है और लड़ाई हमारी एक वायरस से है, एक वायरस जो दिखता नहीं है लेकिन आपको और हमें बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। ललित हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। ललित, हम देख रहे हैं कि सरकारें, न केवल अब केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी सख्त होती जा रही हैं, और आज शायद उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि जिसका आह्वान उन्होंने किया था ताली और थाली बजाने का, लोगों ने किया, बहुत सराहना भी की जानी चाहिए कि जिस तरीके से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे, ताली और थाली लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी लेकिन वो एक दूसरे के साथ, उसमें डीएम भी शामिल थे, सड़कों पर निकल गए थे। जी बिल्कुल, देखिए, जहां एक ओर पूरे देश की सराहना हुई कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर पूरा देश ताली और थाली बजाने के लिए अपनी बालकनी में निकल आया, वहीं दूसरी ओर हमने देखा सपना कि कई लोगों ने जुलूस तक निकाल दिया। तो जुलूस निकालना तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जुलूस अगर निकाल दिया आपने जहां पर 4 लोग इकट्ठा हो गए, फिर वहां पर एक बार फिर से संक्रमण का खतरा पैदा हो जाएगा।
अब भले ही चारों संक्रमित ना हो या हो, तो कुल मिलाकर ये जुलूस निकालने जैसा कार्यक्रम तो गलत, लेकिन अगर हम अपनी बालकनी से आकर हमने ताली बजाई थी, थाली बजाई थी, तो निश्चित तौर पर इसकी पूरे देश में और दुनिया में तारीफ हुई थी। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जिस तरह से ICMR ने साफ तौर पर कहा है कि मलेरिया की दवा को लेकर जिस तरह से एक बात कही जा रही है कि ये दवा भी इफेक्टिव है, और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है वो अभी फिलहाल जो है केवल और केवल हेल्थ केयर वर्कर्स पर दी जा रही है, उन्हीं को दी जा रही है, क्योंकि उन पर एक तरह की स्टडी चल रही है। तो अगर उन पर ये स्टडी कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर वो सारे रिजल्ट्स जो है सामने रखेगा, और अगर जरूरत हुई तो सबको ये लेने की सलाह दी जा सकती है। लेकिन अपने मन से कोई दवा नहीं लेनी है, डॉक्टर से कंसल्टेंस करना है। डॉक्टर अगर कहता है कि आप टेस्ट कराइए तभी टेस्ट कराना है, अन्यथा प्राइवेट लैब में जाकर टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर अगर हम ये समझ जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि जिस तरह से कदम हम उठते हुए दिख रहे हैं, और लगातार मुझे लगता है कि अगले एक दो दिनों में हम देखेंगे कि अगर ये लॉकडाउन बेहद गंभीरता के साथ इसका पालन होता है, तो निश्चित तौर पर ये जो सकारात्मक मामलों के बढ़ने की जो संख्या है ये निश्चित तौर पर कम होगी, और लोग अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो एक दूसरे में संक्रमण भी नहीं फैलेगा। बिल्कुल, और लॉकडाउन कितना जरूरी है और उसका कितना असर नजर आ रहा है भारत में, और भारत की सरकारें कितनी सजग हैं, ये इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं ललित, जब अमेरिका जैसा पावरफुल देश जहां आंकड़ा 100 के पार हो चुका है मृतकों का, जो संक्रमित मरीज थे उनके मरने का आंकड़ा 100 के पार हो गया है, वहां पर तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है, वो भी पार नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अगर हम भारत की तुलना करें तो भारत बहुत पीछे, और ये अच्छी बात है। इसी में लोगों को सहयोग सरकारों का करना होगा कि आप घरों में रहिए, तभी हम भारत, पूरा भारत मिलकर इस पर विजय पा सकता है। बिल्कुल, और आम आदमी को सहयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आम आदमी की ही जिंदगी का सवाल है। सरकार कानून को सख्ती से पालन करने की बात इसलिए नहीं कह रही है कि आपको पुलिस कोई पनिशमेंट देना चाहती है, सरकार सख्ती से लागू करने की बात इसलिए कर रही है ताकि आप अपने घर में बने रहें। अगर आप उसको तोड़ते हैं तो आप अकेले अपनी जान को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि आप कई और लोगों की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं, और बाहर के लोगों की चोटें, आप अगर सड़क पर बाहर घूमने निकल जाते हैं और किसी के संपर्क में आ जाते हैं तो उसके बाद आप अपने घर वालों की भी जान को खतरे में डाल सकते हैं। और किस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार दुनिया भर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, एक तरह से विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं, और सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया के जमाने में, हर जमाने में आदमी के मोबाइल पर देश और दुनिया की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, हमें उन तस्वीरों को ध्यान में रखना होगा, और हमें इस बात का प्रण करना होगा कि हम अपनी ये जो इस बीमारी महामारी आई है, इस महामारी से निपटने के लिए अपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तभी हम अपने इस देश में इस मामलों को रोक पाएंगे। और अगर मामलों को रोकने में कामयाब हो गए तो सपना निश्चित तौर पर दुनिया के इतिहास में जब कभी भी महामारी से लड़ने को लेकर राष्ट्र का सहयोग और लीडरशिप का सहयोग उसकी बात होगी तो भारत का नाम सर्वोपरि तौर पर लिया जाएगा। तो उस वक्त दुनिया में केवल अकेला भारत ऐसा था जहां पर सबसे कम मामले निकलकर सामने आए थे, और वहां की सरकार के साथ वहां के नागरिकों ने बेहद सकारात्मक सहयोग दिया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बेहद का अच्छा जेस्चर होगा, और कोई भी इसको मजाक में न ले, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस तो सबके अंदर है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, लेकिन फिर भी लापरवाही बरतने का जो सिलसिला है, जो जारी है, उसको हमें तोड़ना होगा, और तभी ये बीमारी जो है हम इसको हरा पाएंगे निश्चित तौर पर। और आज अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स नर्स, उनको लेकर भी कहा गया कि स्पेशल किट उनको प्रोवाइड की जा रही है, और उनका भी खास ध्यान रखा जा रहा है कि उनको जो मरीजों का वो इलाज कर रहे हैं उन तक वो संक्रमण ना पहुंचे, इसीलिए स्पेशल किट हर एक डॉक्टर को, हर एक नर्स को अवेलेबल कराई जा रही है, जो COVID-19 से जो संक्रमित मरीज है उनका इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल, और डॉक्टरों को तो ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग उस तरह के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, क्योंकि जब तक डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे तब तक आम आदमी भी सुरक्षित है। अगर डॉक्टर में किसी तरह की हीला हवाली बरती जाएगी तो निश्चित तौर पर उनकी जान अगर खतरे में आती है तो फिर ये पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट रहें ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। चलिए जी सपना, बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी के लिए जुड़ने।